हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाइस एसिक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल। एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल टेबलेट का प्रयोग हम क्यों करते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, दोस्तों इसको कभी लेते हैं, कैसे लेते हैं और क्या इसकी मतलब पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं दोस्तों। तो गाइस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एसिक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल टेबलेट, दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द होता है, सूजन होती है, तब इसका उपयोग हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गैर स्टेराइड सूजन रोधी दवा है जिसका उपयोग हम आमतौर पर किसी प्रकार से दर्द ये सूजन में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको कम करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं गाइस। यानी शरीर में किसी प्रकार का दर्द होता है, जैसे हाथ पैरों में दर्द, बदन में दर्द और किसी प्रकार से घाव में अगर दर्द होता है, सूजन होता है, या किस प्रकार की सूजन हो जाती है हमारे शरीर में। जी हाँ दोस्तों, अगर सूजन जैसे फुंसियों में सूजन हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, सूजन हो जाती है, इन सारी समस्याओं में इसका उपयोग हम करते हैं गाइस। गाइस इसके अलावा जैसे ऑस्टियोआर्थराइट या रूमेटॉइड गठिया रोग जैसे गठिया जैसे बीमारी हो जाती है हमारे, उसके दर्द के में भी इसका उपयोग हम करते हैं। मांसपेशियों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, तब भी इसका उपयोग हम करते हैं। या किसी प्रकार से दांतों में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, बुखार होता है, तो इन सारी समस्याओं में इसका उपयोग हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट दवा होती है और इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे गठिया रोग में इसका उपयोग हम करते हैं और इसके अलावा जैसे हाथ पैरों में दर्द या खिंचाव में इसका उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार इन सारी समस्याओं में इसका उपयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की। जहाँ दोस्तों, इस टेबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, थकान होना, उल्टी होना, दस्त लगना, शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होना, जिसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं दोस्तों, और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है। बिना सलाह से दवा न ले आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर की दवा मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इस दवा को कब ले, कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, इस दवा को आप जैसे आपके दर्द होता है, किसी प्रकार की सूजन होती है, तो इस टेबलेट को आप रात को सोते टाइम खाना खाने के बाद में आधे घंटे बाद आप दवा को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक गोली आप रात को सोते टाइम ले सकते हैं, दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। गाइस के अंदर 10 इस पत्ते के अंदर 10 गोली आती है, तो आपको ये दवाई लेना है डॉक्टर के बताए उसके अनुसार। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्लोबेस्ट एसपी इस टेबलेट का नाम है, जो आपका आसानी से हर मेडिकल स्टोर दवा मिल जाएगी दोस्तों। तो गाइस आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।